नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं नए संसद भवन को लेकर। ये तो आप सभी जान रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है, मगर मानो कि अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिसे अक्सर ही बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, नरेंद्र मोदी को मुसलमानों के विरोध में अक्सर बताया गया है, अब संसद भवन में कुछ ऐसा हो गया जिसे देख कर सुन के हर एक मुसलमान नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार से खुश हो जाएगा, ये कहना भी गलत नहीं होगा। दरअसल आप सभी को बता दें कि सर्वधर्म प्रार्थना में बुद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी समेत कई धर्मों के धर्म गुरु ने प्रार्थना की है। यानी कि यहाँ पे संसद भवन में हर एक धर्म को जो है उतना महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म को ही नहीं, खाली बाकी धर्मों को भी एक अहम महत्व यहाँ पे देते हुए हर कोई दिखाई दिया। आपको ये जानकारी दे दे कि एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम एक व्यक्ति बैठे हैं और वो दुआ कर रहे हैं, और इस दौरान नरेंद्र मोदी आंखें बंद करके उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। ये यकीनन ही बेहद ही खूबसूरत मंजर है, क्योंकि अक्सर मुसलमान ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि बीजेपी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी हमारे खिलाफ है, या फिर अगर हम यूं कहें कि विपक्ष अक्सर नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को एक मुस्लिम विरोधी पार्टी कहते हुए दिखाई देता है। तो ऐसे में संसद भवन में जब दुआ पढ़ी गई, तो दुआ पढ़ते हुए नरेंद्र मोदी काफी ही ध्यान से, धैर्य से यहाँ पे दिखाई दिए। आंखें बंद करके नरेंद्र मोदी ने जो है दुआ को सुना भी। ये वाकई बेहद ही खूबसूरत मंजर है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाला वो वक्त भी दूर नहीं जब मुसलमान भी खुद बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हुआ दिखाई देगा। क्या कुछ है आपकी राय, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। धन्यवाद।